महोदय जी, मेरा अनुभव, अपना अनुभव यह है कि इस सदन में जो सदस्य पहली बार भी चुनकर आता है वो इस बात को जानता है कि ये सदन परंपराओं और नियमों से चलता है। लेकिन अगर कोई चार बार के चुनके आया हुआ बाल बुद्धि सांसद अगर इस बात को नहीं जानता तो ये सदन की गलती नहीं है महोदय। लेकिन वो नहीं जानता चलेगा, हमें इसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन अपनी अनभिज्ञता के कारण वो सदन की परंपराओं को, सदन के नियमों को ठोकर मारे, ये सदन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। कल महोदय जो घटना हुई है, कांग्रेस के नेता और चार बार के सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में जो असंसदीय आचरण किया है उसने इस देश के प्राचीनतम लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है। आपकी महोदय सदन लोकसभा के अध्यक्ष चेयर पर थे, उनकी अनुमति लिए बगैर 2 मिनट का मौन और सीधा आदेशित करना, बैठ जाइए, ये विचार प्रवाह को, सभापति महोदय, संसदीय विचार प्रवाह को ये स्तब्ध करने वाली घटना है जो स्वीकार नहीं की जा सकती। ये कलंकित करने वाली घटना है सदन को। यदि राहुल गांधी कोई मौन चाहते थे सभापति महोदय तो उसके लिए उन्हें अनुमति लेना चाहिए थी, उनको कार्यवाही का आग्रह करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के युवराज को प्रक्रिया और नियमों को निभाना उनके वंशानुगत राज के सामने बहुत बौना लगता है महोदय। लेकिन यह सदन कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है जिसे वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे चलाएंगे। ये परंपराओं से चलेगा, ये व्यवस्था से चलेगा, ये नियमों से चलेगा। ये घटना असंवैधानिक है, अनुचित है, विशेषाधिकार और सदन की अवमानना के अंतर्गत आती है। और पिछले कई अवसरों पर हमने देखा है कि राहुल गांधी जी को संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा का चीर हरण करना उनका स्वभाव बन गया है। संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर काम करना उनको ठीक नहीं लगता। आज हम देखते हैं कि जब भी वो सदन के भीतर आते हैं, किसी भी विषय पर संवाद करते हैं, तो संसद की गरिमा के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। ना तो उनकी बातों का कोई साक्ष्य होता है, ना उनकी बातों के पीछे कोई आधार होता है, लेकिन वो अपनी बात झूठ की बुनियाद पर सदन के भीतर रखते हैं। और वो चाहते हैं वो झूठ की बुनियाद को पूरा देश माने, लेकिन देश को भ्रमित करने का, देश को तोड़ने का, देश को कलंकित करने का, देश को नीचा दिखाने का कोई भी मौका राहुल गांधी जी छोड़ते नहीं है। और इसीलिए मैं सदन में ये मांग करता हूं आपसे कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और उसके साथ सदन की अवमानना की कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी लोगों को एक प्रेरणा मिले कि सदन के भीतर अगर असंसदीय आचरण होगा तो वो स्वीकार नहीं होगा, बर्दाश्त के बाहर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।